जगदम्बे मात की बैठो वहां से बैठो है ये तो हिंगो बढ़िया मार नाचो हिंगो कहीं ताजा बैठो नीचे बैठो बैठो माता जी बैठो मंदिर बंद बोला दे जो ते हो सुन बैठो मासा बैठो नीचे बैठो बैठो है बैठो नीचे बैठो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये अमृत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जनाने वाला हरि नाम यही हर ज्ञान यही हरि नाम यही हर ज्ञान यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती दर्शन कराने वाला भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी न बनाने बिगड़ी तो बनाने वाला यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही सब महिमा की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरे गोपाल गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत मां पुराण की जय सभी देवी देवताओं की जय सभी संत महात्माओं की जय चिड़िया में मात की जय गो माता की जय बोल कर पैना गे कैला के थी कैला गे संसार कोई वो घर नहीं जब निकले प्राण खबर नहीं प्यार प्यार बोल कर कैला गे थी कैला गे आया बेटा ये बड़ी 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 और
वाली छोड़ करा सब प्यारे चार सिंगारो हे चार सिंगारो चीनो हे संसार सारी बार छोड़ करा सब प्यार हिल मिल देवा हस खेल दीवा हिल मिल देवा हस खेल दीवा संसार कोई रोकर नहीं सब निकले प्राण खबर नहीं प्यार प्यार बोल कर कहीं लागे कहीं लागे जी कहीं लागे मिट मिट बोल कर कहीं लागे जी कहीं लागे क्या बात है गरीबा दया
द्वारपाल बड़ो भलो हो और बो के महाराज ये तो हतावड़ो मोड़ो है आपकी जगह आयोजन क्यों भाई मैं तो सुदामो हो पोरबंदरों आयो हूँ पोरबंदरों आया हो तो बताओ महाराज कहीं समाचार है तारा जन क्यों भाई तू भलो आदमी लागे मने जाए कृष्ण भगवान ने जान के जे और सुदामा जी ने गले लगाया और गले लगाए और आप रहे जो बोलाए आसन माते बैठाया है बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की और चौकीदार जाए और भगवान ने कही क्यों किसी से पगानी अपना दोस्ती गरीबरी दीन दशा देख रहा आंखें मुंह पानी आऊं डूबो और अश्व ने जल से पैर धोई और अपना मित्र ने पूछे सुदामा तू मारो मित्र है मारो यार है मारो बाल सका है तू कितना दिन रियो अठे कितना दिनों आयो है कटे रियो कई खायो थारी कई हालत है तू थारी आड़ी अवस्था कटे बनाई और भगवान कई केवे बता मेरे यार सुदा मारे भाई तू घने दिन चौकीदार आन कियो कि महाराज तानी घरनार है जो कि हामी उबी माळी और मैं जरोकार में
दैती ने किलो होनो पेरियोडी बा थाने बुलावे सुदामा जी हमें देखियो रखियो रे बा और हम जगह वाले परमात्मा थारी जो को लीला है इनो पारावारणी है और समझ में आएगी कि करना दीना देव नालो है छुपड़ वाला जब भी देता देता गाया वास्ते दे दो छप्पड़ पारम 10 20 50 100 200 500 जितना हज हाँ जेड़ा ये भाइयों ने 5 थालियां दिलाए तो और गौ माता वास्ते बेड़ो पार कर दो जब काट जो को भी चारों वास्ते 2100 रुपया माल है जो को गौ माता वास्ते दियो है निशा जी महाराज बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई समय समय में न्यूज दे दिया और आगे भी मेरा कहना इस भाती रहना जाति ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाति ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाति ससुराल में ससुराल में मानिए दुलारी मेरा कहना जाके ससुराल में छोड़ के चली है बेटी बाबुल का गीना छोड़ के चली है बेटी बाबुल का गीना संग की सहेली तेरे चाहे कोई संगीना सहेली तेरे चाहे कोई संगीना अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान बोलना मधुर जैसे मीना इस भाती रहना जाती ससुराल में बोलना मधुर जैसे मीना इस भाती ससुराल में पानिए दुलारी मेरा कहना इस भाती रहना रख ससुराल में पानिए दुलारी मेरा कहना इस भाती रहना जाके ससुराल जी को मानना पिता के समान अपने ससुर जी को जानना पिता के समान अपने ससुर जी को जानना जेठानी का आदर करना तेरा ही से प्यार जेठानी का आदर करना तेरा ही से प्यार करना इन्हीं को समझना अपनी बहना इस भाती रहना ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में जाके ससुराल में ससुराल में ससुराल में भलाई की बिटिया तेरी नेकी की न दुनिया तेरी भलाई की भाई साची बात की के मानिए दुलारी मेरा कहना किस भाती रहना जाके ससुराल में ये हाउ जी की कह दे तो नीचे नाड़ कर ले जे पर कई करे पीर ने तक की कह तन आवे के मन तो है का मन मने तो आवे को ओसने पछ की काली मिर्चान मैं ने के कहा जो के तुलसी ने पत्ता ही ने के कहीं कहा मारी मां ने एक की तो तुलसी ने कहा अब हाउ जी नहीं करनो हाउ जी आज को बटा के पछे पापड़ा छोटा छोटा लोया करे कहा लोया करन टिकरिया करन बट्टे के बटिया पछे बेटा क्यों बटिया ने बाद रे बेन हुकवे
ए हुकया पर तुम ध्यान है हुकया बादर में पच बेने भेला करे का हां मैं भेला गणी करती पच बेने एक हिलवा डब्बा में मैं भेला करन गाल दे का हां मैं गणी गालती पच उन माते एक लोट पानी कूड और मैंने ठेले लगान ढक्कन दे देवे कि हां मैं तो गणी ढक्कन देती कि जिन अपने दे दे भाई है जो रात्र है जो को दो एक किलो बचेड़ा पापड़ा मत दो आधो एक पूर्ण किलो पानी कूड है ढक्कन चेक हाउ जी दिन का टाइम किया बेटा बिरणी पके में तू तो पापड़ा की कलाकार है जन तो तने हेकना ही आता भाई क्यों हाँ मैं तो घना ही हेकन माते मसाला नेक नेक कर मार बाजी ने मार भाई ने मारी माँ ने काटी के जन थारा हो रोजी ने तार बीन नहीं खा रहा वाह भाई है जो कुछ हुई पापड़ा और ढक्कन खोलियो कि आयो आगे लोयो पास तैयार इस लड़े के अपने पापड़ बचे ना आवे नहीं क्यों आवे तो पर अच्छी ही जगह माते डबली देखो भाई बीनी आनी रमेश जी दादी आपने जो संदेश दियो नहीं के बे बिनणी है जो को शुरुआती दौर में जवानी हार और मैं जब दे ससुराल वाला ब्याह हूं डपली ज जावे बे डपली ज जावे के जो को कहेंगे के जो को सुनना सीख जावे जो को झुकना सीख जावे झुकता वही है जिसमें जान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है जो झुक गया उसने समझ लो अपने जीवन में सो गया। रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक और ध्यान कर जो कि कुछ कुछ तो दान करता जाओ जो को की नहीं चीजें माने थाने इन भजन की फोटो को भी मान दे जाओ। हाँ तक माई बड़े करते यहाँ के गाँव और बहुत सुंदर भजन आपका। वैसे हमारे मेरे बड़े भाई साहब भी हैं जोधपुर में यशी वाने मेडिकल के बड़े व्यापारी हैं और आपका बहुत बहुत साधुवाद। आओ भगवान जी आगे कथर में प्रवेश करा पाचो पुनः। और कल भाई जी मैं हमारे एक चीज जची जो मैं तंटा जची जो कर लिया करूँ पहले तो मैं जो को प्रजापत समाज रा लोग बैठा है उन अलावा जीता बाकी समाज रा लोग बैठा है बेने एक संदेश दे मार माइक रे माध्यम और चूंकि यूट्यूब रे माध्यम और कार्यक्रम यूट्यूब रे माध्यम मैं तो पूरी मैं हिंदुस्तान री जनता ने एक संदेश दे के जालामंडा प्रजापत तो भगवान की कृपा खाता पीता करा रहा है और एने राम राजी है लेकिन हिंदुस्तान रा हर प्रजापत हर कुमार जाति रो आदमी ई तो होड़ो कोनी है माटी गड़नी माटी ने गड़गड़न बेचणो बहुत दोरो काम है। आज काले विदेशी चाइना ना जो को है खिलौना आवे जो कने जगत आवे जो को आवे आजकल दिया है जो को बाले दे चाइना ना आउंडूगा विदेशी आउंडूगा। अगर आपा चाइना जेड़ा देश रा विदेशी दिया ने अगर आपा खरीदा ला तो अपना गांव रा अपना जो को धरती रा अपना देश रा कुमाना रो कई ढंग वे वेला बे प्रजापत समाज रा लोग रे साथे कई दूजा लोग भी इन व्यापार जुड़ियोड़ा है अपनो धन दीपावली रा दिया रो रूपी पवित्र धन जो है कुमार रे घरे नहीं जाए और वो विदेशा में जात रहेला इन वाते एक शपथ ले लेजो के अपना जो को माटी अपने हिंदुस्तान री माटी रो दियो है जो को भगवान ने राम रे दिया में जानो चीजे बाकी कोई दियो काम रो नहीं अपन बाहर चाइना रो सब चीज रो त्याग कर दो और अपना हिंदुस्तानी चीज मिठाई भी है तो वो अपनी है रंग रंग में भी अपना वेणो चीजे तो खिलौना भी अपना वेणो चीजे लाइटा भी अपने हिंदुस्तान री वेणी चीजे निवागाली रहे तो गली छपछपाली लियो लेकिन पूछ लाड़ो कि चाइना री लड़िया मत दे 50 रुपया में सस्ती चक्कर में लेवा आपा लोग और वे अपना देश रो टैक्स है तो सब विदेशों में जावे। आज रा अखबार में पढ़ जो साढ़वा कल्ला गाँव रो एक मेघवाल परिवार रो सैनिक है जो शहीद भी है सुनील मेघवाल नाम रो आज ही अखबार में आयो है साढ़वा कल्ला कोई गाँव रो एक सुनील मेघवाल नाम रो एक अपना देश रो सैनिक आज शहीद भी हो जो को इन हिंदुस्तान रे वास्ते जान दी हुई है सजना पे लोगों ने अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहो तो दिया हिंदुस्तान री माटी रा बढ़िया रेवना चीजे चाइना री माटी रो दियो अपना हिंदुस्तान में काम रो नहीं क्यों के सीधी भाषा में कोडियो रो टक्को गंगा जी में कदे नहीं छड़िया करे सजना वो चाइना कोडियो है जो को अपना देश ने बर्बाद कर दे के गंगा जी में नहीं चढ़े इन वास्ते ध्यान रखो के जो को हिंदुस्तान री माटी रा सपूत हो जो हिंदू समाज रा लोग हो चाहे मैं तो को हिंदुस्तान रो मुसलमान भी है कोई सवाल नहीं जो हिंदुस्तान रो नमक खावे जो हिंदुस्तान रो लून खावे मैंने सबने मानो निवेदन के हिंदुस्तान री चीज खरीदो चाहे अपने में तो 2 रुपया हल्ला खर्च करना वे 5 किला की जगह 4 किला लानी मंजूर वे 10 फुट की जगह 8 फुट लानी मंजूर वे 20 दिया की जगह 10 दिया लावना मंजूर है और सब चीजें हिंदुस्तान की खरीदो ताकि अपनो टैक्स हिंदुस्तान रो हिंदुस्तान में रहे विदेशा में नहीं जावे पाछे ये लोग आतंकवादियों ने पया देवे अपना कमाया पयू अब आतंकवादियों ने पया देवे आतंकवादी अपना देश और सैनिका ने जगह जगह मत मारे काले करवा चौथ दिन हो अपा लोग तो अपार घर माते हैं जो को आनंद मंगल मना रहे हैं लेकिन भी लुगई हो कई ढंग भी होना जकन शहीद री लाश आज भी ने घरे आई है गुण औरत हो कई ढंग भी होना जकन अंदाजो अपन लगा दे भी औरत रो कई ढंग भी होना करवा चौथ दिन जिनके नी घरे जिना धनी लाश घर में आई है भी औरत ने बिने बिने जीव बिने आत्मा है जो को की जगह मत की वेला अपन सोचनो है अपने शपथ लेनी है हिंदुस्तान रा हर आदमी ने हिंदुस्तान रा हर हिंदुस्तानी ने शपथ लेनी है
कि चाहे 5 किला की जगह 4 किला चीज खरीदा, 20 फुट की जगह 15 फुट जमीन खरीदा, सामान खरीदा, लेकिन अगर चीज ले वाला बाजार में जावाला तो एक ही चीज के वाला के माने मारा हिंदुस्तान की बनी हुई चीज दो, स्वदेशी चीज दो, और जो को देश का भारत का नहीं है वो कहीं का नहीं है। इन वास्ते ध्यान रखो भागवत माध्यम ए तो थाने बेटी ने संबंधित बहुरो संदेश दियो, और मैं थाने एक संदेश देते जाऊं के हिंदुस्तान में हिंदुस्तान री चीज लेनी, लेकिन मैं कल थाने इन मीरा नगरी में कल एक काम करनी चाहू, आप बस्ती प्रजापता नहीं है जगह नहीं करनी चाहू, आप बस्ती हिंदुस्तान नहीं है जगह करनी चाहू। आपने दीपावली तो है अमावस्या दिन, लेकिन सजना अबार जी की आ दीपावली मैं ले रही हूं आ गयाणी दियाली है, मैं गयाणी दियाली वास्ते आयो हूं। आप जो को घना आगो आओ जो को तो मैंने ध्यान को नहीं, बाकी काले सामरा ई पंडाल में थाने हेंगार करूं, पांचवा चाचर दिया नया दिया वे तो ही चले, पुराना दिया वे तो ही चले, एक चाचर पांच पांच दिया ले आई, और अपना देश सैनिक का नाम रे श्रद्धांजलि रूप में, और हिंदुस्तान री गायन वास्ते एक पांच पांच दिया इन पंडाल में हमें सब जगह कर देवा, हटवा पटिया उठाई देवा, और इन पंडाल में आपा कल एक दियाली रूप में मनावा, और परमात्मा की कृपा भी तो जाला मंडरा कुछ स्थानीय कलाकारों ने, और माना भी कलाकार राजेश जी बहुत अच्छो गावे, और कल सामरा एक शाम गौ माता के नाम एक जागरण रखा, और जको लोग नहीं आ सकिया आगे कोई कारणवश इंदिरा व्यापारी लोग नहीं आ सकिया बेने प्रचार कर, और कल सामरा बुलावाला, और कल हेंगा ने बुलाए, और थोड़ो सो गौ माता अलग और जगह वाला, तो कल एक शाम गौ माता के नाम भी रखा, और कल दिया देखो दिया प्रजापता घर में तो नया पड़िया है, लेकिन मान लो घर में तो हाल कहता नया पूगा नहीं पूगा, तो पुराना दिया अब सामरा मैं थान बताए दू कटिया डागला माते मटकिया में गाल पड़िया हैक नहीं है बाल्टिया में मटकिया में गाल पड़िया बे दिया ने है जो साफ कर लीजो, जीता दिया वे उठी बतिया कर लीजो, और भी तो एक डब्बी में तेल गालन लिया जो, और माची से गारंटी तन में दो, माची से मारी गारंटी दियोन तेल पांच पांच चाचर बतिया तेल लिया जो, लेकिन कल सुबह मत ला जो, कल शाम रही जो दिन बतिया की टेम है जो को दिया लिया जो, आड़ पारे संदेश दे दीजो कि भाई मीरा नगर में तो दियाली आ गए वास्ते मत पहली दियाली ले आएगा जो को गए वास्ते दीपावली जो मैं अच्छे 500, 1000, 2000, 4000 जेड़े भी है जाए और दीपक करा, लेकिन इन दियारे वास्ते एक काम बस्तीर में अच्छी मिनक बैठा जो मिनक ने क्यों चाहे औरता माताओं में कि नहीं क्यों एक काम क्यों के अगर अपने वास्ते दियाली आ सके तो थोड़ी सी दियाली गौ माता वास्ते चाहिए, जो को गए वास्ते एक पीपा तेल की मांग करूँ अगर कोई देनी चाहे तो भाई गया वास्ते कल सीधी गौशाला में भेजा क्यों बूढ़ा आयोड़ो है थोड़ा दड़ियो आयोड़ो है तो एक पीपो की घी तेल अगर कोई गौ माता में देनी चाहे वो एक पीपो तो आएगो, जोरदार तला सा स्वागत बहुत बहुत साधुवाद, एक पीपो भले आएगो, दो पीपा तेल आएगो भाई गौ माता वास्ते, तीन पीपा तेल आयो है क्या बात है, पांच पीपा वे तो दिखे, तीन पीपा वेगा जन तो बचे ला पिया लो धन करना गौ माता और कहीं है डायरी में लिख लो, एक पीपो ला रहे भाई जी एक ध्यान रखो मैंने पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए आप पीपो तेल रो, चार पीपा तेल आई गो सरपंच साहब ने उठो भी एक पीपो तेल क्या बात है, चार पीपा तेल और पांच पीपा तेल गौ माता वास्ते क्या बात है, जोरदार तरह सा स्वागत दो, पांच पीपा तेल पांच में परमेश्वर का वास हो गौ माता वास्ते, अभी पांच पीपा तेल आई गो जन भाई एक दो भाई कोई मेहरबानी करो जो एक दो पेटी गुड़ाली मेहरबानी कर दो तो बस गया लापी बनवाए था एक पेटी गुड़ आई गो ओहो जोरदार तरह सा स्वागत क्या बात है, दो पेटी गुड़ आई गो तीन पेटी गुड़ आई गो तीन पेटी चार पेटी गुड़ गौ माता वास्ते चार पेटी गुड़ बहुत गौ माता की आ पांच पेटी गुड़ और पांच पीपा तेल आई गो गौ माता वास्ते छह पेटी गुड़ आई गो जोरदार तरह सा स्वागत वंदन अभिनंदन क्या बात है, छह लगा छह पांच ग्यारह कई बात है कई हुकन भी आए जोरदार पर भाई जी दलिया बिना लाते क्यों बनाओ, अरे उठे तो लाखों धन है अपन करो दान निकालो है उठे तो लाखों है 20 किलो दलियो आई को बोलो गौ माता के वास्ते माने दियाली माते आपाई जी मीठा मोटा खाओ थे गुलाब जामुन लाडू जलेबी रसगुल्ला खाओ आटू तो जीभ रे कोनो टेरा पड़ी तो थोड़ो कोनो गया रे बात नहीं करता 20 किलो दलियो एक भाई दे दियो 20 किलो भले आई को उठो दलियो जोरदार तारो सा स्वागत 20 किलो और आई को बोलो 60 किलो ओ तो करकंडो दान है सजना ओ आई को देखो ओ दान दान दलियो क्या बात है माई जने तो एड़ा जने आ एक दलियो भले आई को ओहो एक और आई को दलियो ये सब मान लिया जो काले पीसा पीसा एक दलियो और आई गो 20 कम से कम एक क्विंटल आप बोले आई गो चौधरी साहब काकी उठो
ओलो एक क्विंटल 40 किलो दलिया बेले वेगो पांच पीपा तेल वेगो पांच ही पेटियां गुड़री वेगी पांच सात पेटी गुड़री वेगी अगला लिया जो माल सीधा जो सीधा डायरेक्टर थे अच्छे नहीं बनाओ अटू लंबो पड़े 40 किलोमीटर पड़े अटू भेज देवा और गौशाला साइड अटे विराजमान है एक आध जनो जो मैं भाई अपन गौशाला मान लो कटे पता चलता है को मैं विराजमान है कई नाम भाई मार गोकुल जी प्रजापति तो गोकुल जी के अपन लाभ शी बनवा देवा क्या बात है जोरदार ताले साथ स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए गायन वास्ते के मजबूती बनाओ देखो चारण समाज का कोई लोग बैठा है चारण नहीं बैठा तो होने तो है कोई चारण समाज का बैठा हो आप लोग आपने एक कवि महाराज विया जो कहीं तो लाइन सुनाऊ आप सभा ने सुनाऊ लेकिन थे सुन जो के एक कवि विया आपने चारण समाज में जो को एक बात की भी हिंदुस्तान में लोगों ने जो को गट में उतार दी तो के मजबूती पड़ो रखो मन में मजबूती पड़ो रखो मन में दुख दीन पड़ो दर्शावण ना मजबूती पड़ो रखो मन में दुख दीन पड़ो दर्शावण ना और चिबने सुख भी हंस बोलने में मर जाओ है फिर आवड़ो ना इन संसार में पंच को नहीं आवड़ो इन वास्ते गाया रे चिड़िया रे कबूतर ने ब्राह्मण ने संतान जितो करो उत्तो ही पतो है जोको जोको बाया तेल रा पीपा बोलिया जोको बार दे तोड़ा है जोको आरती वेवे उन टेम लिखान जा जो जोको दलियाला है जिका चोड़ काले तेल रा पीपा गिरी गुड़ी पेटियां और भी नहीं बोलिया कोई ने जज्जा घरे की पचो जोको लिया जो काल ढिगलो कर दे जोको गौ माता बियाली अमार देवा मीरा नगर इतरपू गौ माता वास्ते लाभ सी बेली टोली में गालन क्यों टोली तो आएगी और ट्रैक्टर की उम्मीद में लिया बैठा हूँ जो को ट्रैक्टर भी आ जाए ट्रैक्टर आएगी और टोली आएगी सीमेंट आएगी और अबार बदली बटारी हैंग व्यवस्था करा जो को गौ माता वास्ते बेड़ो पार हो जाए परमात्मा थारो बेड़ो पार कर दे आओ फिर भगवान की कथा में पांच मिनट प्रवेश करा क्या बात है बोले ठाकुर जी महाराज सजना कल्याण देखो और उन बाद में एक संक्षिप्त में श्रीमद भागवत कथा में वर्णन आवे नरकारो वर्णन आवे के 28 प्रकार का नरक लिया करे कितना प्रकार नरक वे 28 प्रकार नरक है जगह में कुछ नरकारों मन नाम भी याद है तामिस्त अंत तामिस्त रोरो कुड़मल कुंभी पाक ये नरक है जो को आप माँ बाप की सेवा नहीं करे वो नरक में जो को बैठ बैठी धन खावे वो नरक में जो को गौ हत्या करे वो नरक में जूठी गवाही दे जो को नरक में पराई औरत के प्रति गलत भाव रखे जो को वो नरक में साधु संतानी जमीन खावे वो नरक में गोचरी जमीन खावे वो नरक में गाय रपाया खावे जो कहने भूटाटियाला महाराज जेले नहीं अभी तन बल के दू मारे वो सीधो नरक में जाया करे सजना बेने कोई परमात्मा नहीं छोड़े जो को बुढ़ा मां बाप की सेवा नहीं करे वो नरक में जावे हर आदमी नरक में जावे जो को गलत कर्म करे आज ना अखबार में एक न्यूज भी है एक जाति समाज में नाम नहीं लेऊं जाति समाज को लेकिन एक जाति समाज में एक बहु बुआ ने काले परसों अखबार में व्हाट्सएप में चतनुरियो है कि भी भाई ने पेट्रोल गोडन भी ने बालन मारन खत्म कर दी भी तो एरा दहेज ना लोभी लालची लोग जो है वे भी है जो को सीधा नरक में जावे जो को एक होना चांदी और पैर तक का लोभ के कारण कोई जिंदगी ने खत्म कर देवे और भी ने सांसा खत्म कर देवे बेरा लोग सीधा नरक में जावे नरकारों में वर्णन बताया बाद में गुरुवारी कथा बनाई के इंसान वैसे मैं हर बार रोज कथा में गुरु रोकीन की आपने बताता ना फिर भी दो शब्द में सुन लीजो रामचरित मानस में तुलसीदास जी महाराज जी चौपाई में लिखियो है जो बात चौपाई सुनो माने अपना आप समझ में आ जा रहा है गुरु बिना भव नीति तर ही न कोई गुरु बिना भव नीति तर ही न कोई लोई रहती संतारे सम होई गुरु बिना भवनी दी तरही ने कोई और जो बिरंची शंकर सम होई गुरु बिना संसार सागर पार को निवे थारे अटे किता जना हो जो कने गुरु करियोड़ा है कि नहीं करियोड़ा है जिन्हें गुरु नहीं करियोड़ा है नी हैंगार गुरु करियोड़ा है जिन्हें गुरु नहीं करियोड़ा नी तो गुरु पुण्य बड़े दिन ऋषि महाराज ने गुरु कर ले जो सिद्ध सात्विक ब्राह्मण है क्योंकि मोटा मोटा लोग गुरु को पचे कारण ले लाल लाल फिरोला पचे फिरोला मार गुरु महाराज कहते बार महीना में एक बार मुंडो देखने को नहीं मिले तो घर बामने रोज मुंडो देख जो फलबो करो गुरु हाँ गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण को गुरु किया जा सकता है चाहे वो गृहस्थी भी है और संत महात्मा ने गुरु करे
वो भी बहुत बड़ो भाग है जकने संत महात्मा गुरु रूप में मिले। संत है ब्राह्मण है, कहवे की संत ने गुरु कर लो, ब्राह्मण ने गुरु कर लो, गाय ने गुरु मान लो, कृष्ण भगवान ने मान लो, हनुमान जी ने मान लो, और कोई ने नहीं वे तो आपकी माँ ने चरणन में चार पुष्प चदान कह दो कि माँ मारी गुरु तू है, वो भी जिंदगी में बेड़ो पार में जावे। लेकिन बिना गुरु संसार सागर पार नहीं जावे। लेकिन एड़े 10-15-20-50 गुरु संत महात्मा एक दिन भगवान री द्वारका नगरी में जिन टाइम आया तो भगवान रा जीता भी उठे बाल बच्चा खूब आवे परिवार में, भाई 8 तो पटरानी 16,108 रानिया तो बच्चा ही खूब है, वंश तो खूब बदो तो दूजा भी पूरी बस्ती ही। तो कहवे की मैं जो बाल गोपाल बच्चा हाँ बेने संताओं मजाक करनी मन में विचार आएगी, क्यों संता ने देखा है जट्टा पटेड़ा ही फिरे में की है कौन चमत्कार। और श्रीमद भागवत कथा में मैं आपसे आपने बताया नहीं कि भगवान कृष्ण भी दूसरे नंबर की पटरानी नहीं, पहली तो रुक्मणी है, दूसरे नंबर की पटरानी नाम है जामवंती है, और जामवंती रानी ने एक बेटो हो जो नाम और शंब, कई नाम बताया शंब, और वो शंब नाम रो लड़को बड़ो गोरो फूट रो हो, बड़ो गोरो मुंडो हो, जो मैंने जो लड़कियां ना औरता ना कपड़ा पहना देता तो कोई ओलकता को नहीं कि वो छोरो है छोरी है। और मैं कहीं करियो एक दिन छोरा मजाक करने वास्ते संत महात्मा ने मुंडा के भी शंब नाम रा लड़का ने औरता कपड़ा पहनाई पेट माथे तकियो बांध दियो और बांधन भाई रो गोट तो कढ़ाई दिनो और संतान मुंडा के ले जान के संता संता हमारे नवी भीनड़ी है बाल बच्चो वेणो है गर्भवती है बताओ इन्हें बेटो वे की बेटी वे। संत बड़ा ज्ञानी है ध्यान लगान कियो के इन्हें न तो बेटो वे न बेटी वे, और लड़को है था हमारे साथ मजाक करो और थारो याद वाला वंश ने खत्म करने वालो है जो को इन्हें पेट में मुसल निकले श्राप दे दियो संत महात्मा। और कहवे कि संता रो श्राप और ब्राह्मण रो वचन है जो को खाली नहीं जावे, अबे वे बच्चा में खड़बड़ी मच गई, रोऊं रोका संता ने पगा में पड़गा और बिन पेट में मूसल निकली को बोड़िया लोग बेला भी आज के अब कहीं करा मूसल निकल को आपा ने सबान याद वान खत्म कर दे जे कहीं करियो के चक्की लगाई की करियो जो बिन मूसल ने पीसियो और पीसन समुद्र में ये फेंक दियो चूरन कर दियो के अब क्या उमर। लेकिन होई सोई जो राम रची राखा परमात्मा जो को लिख दियो नहीं जो कोई होवे बिन चूरन नी बिन समुद्र किनारा माते एक घास बन गई बिन घासो नाम पड़ियो एरका बा एरका नाम री घास इतनी टिकी कि अगर बिन हाथ लगाए दे तो हाथ कट जा मैं हाथी की ऊपर तो हाथी पड़ जाए। और दे याद वाला बच्चा संतान श्रापू गलत कुसंगति में पड़ गया और कुसंगति आना ना जो को हरिओ विमक है बहनों आपने संगति छोड़ देनी चाहिए। एक दो लाइन सुनो सुन जो के तजोरे मनी हरि विमुख नीरो संग हो तजोरे मनी हरि विमुख नीरो संग तजोरे मने हरि विमुख नीरो संग पय पीवत विष नाही तजत है पय पीवत विष नाही तजत है रहते भुजंग भुजंग तजो मने हरि विमुख नीरो संग के हरिओ जो को विमुख है हरिओ जो को विमुख है इनो आपने संगति छोड़ दे दी चीजें जो को राम जी का नाम नहीं लेवे वो कहीं काम रखो नहीं। एक दो लाइन और सुनो जो को सुन दो अरे नहीं राम नाम जपियो तूने भरी जवानी में दो लाइन ही सुनो तीजी में ना रुको नहीं के नहीं राम नाम जपियो तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे डकड़ी भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में नहीं राम नाम जपियो तूने भरी जवानी में नहीं राम नाम जपियो तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और दलाइन क्यों और क्यों ध्यान में समझो दानपुर निकलियो जो को हुन ले जो रेडियर माय रेडियर माध्यम उठे तो अगला ही कर दियो कई लायो आटी में मिल जाए एक माटी में कई लायो आटी में मिल जाए एक माटी में काया मेरी एक दिन बस जाए कि काठी में काया मेरी एक दिन बस जाए काठी में ले जाएगो तू इस जिंदगानी में क्या कमा के ले जाएगो तू इस जिंदगानी में नहीं राम नाम जपियो तूने भरी जवानी में नहीं राम नाम जपियो तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे
सुनो। अरे भैया आ कंधो जारी कड़कती है नी, आई खोलते की कोनी रहूं दे। अरे बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां जो को कह को अगो कान में टेओ टोटियां गालियो नी, ये टोटियां काट दी था, ध्यान रख फिर जाओ हट जा। हां दो एक आके आके ले दी टोटियां वाली, ये जाने मन नहीं चके मैं तो हैंगा ने, ये टोटियां नोटियां की नहीं रहूं दे, मैं सब काट ले काती। एक इन्हें लाख कमा लीजिए हीरे और लाख कमा लीजिए मोती, पर याद रखिएगा कफन के जेब नहीं होती, जेब नहीं है भी नहीं। और संत महात्मा कहे बे हगराई छोड़ा, सब दारू पीवनो सीखा, बुरी संगति सीखा, जुआ खेलना सीखा, सट्टेबाजी सीखा, ऊंधा धंधा हगराई सीखा। और एक दिन शराब पियोड़ा आपस में लड़कटन मरने की कोशिश करी, समुद्र किनारे आया कि अस्त्र शस्त्र नहीं मिले, तभी घास ने उकार उकार और एक दो जन काटन खत्म कर दिया, सब मर गया। अति ने भगवान कृष्ण देखियो कि हगराई दुष्ट दुष्ट खत्म मेगा, तो खुद भी एक जारिया ने बीच में जार बैठा। और जारिया में कहे कि भगवान कृष्ण रे पग्र में पदम हो, बाको पूरा शरीर तो वज्रो बनियोड़ो, बेन कोई तीर तलवार लागती को नहीं, पग्र में पदम हो और उठ जगह कोमल ही। और एक हम ही पग करियोड़ा भगवान कटे पोड़िया हा, और एक बहेलियो एक भील आयो, और वो भील आयो जो जानियो कोई जानवर है, कोई हिरण है, कोई लो शिकार करू आ क्या पड़के। और एक तीर चलायो और जो वो तीर चलायो तो भगवान ने चरण में लागो, और जान भगवान ने आहा निकली, और बहेलियो दौड़ियो दौड़ियो जाए, और देखियो के आगे द्वारकाधीश पगा में भड़को, हे करुणा निदान, हे दया निदान, हे गोविंद, हे गोपाल, मारू बहुत बड़ी गलती है कि मैंने क्षमा करो। भगवान ने क्षमा कर दियो, पर कियो रे तू रो मत, कड़प मत, थारो कर्जो उतारियो। अबे वो भील बैलियो के महाराज मैं तो शूद्र जाति रो भील, और थे द्वारकाधीश थान मार कई कर्जो जन कियो, रामायुग में हाल तने बताऊ, रामायुग में तू सुग्रीव भाई हो, नाव थारो हो माली, और मैं है मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, तो सुग्रीव री पत्नी रो भारिया पत्नी रो हरण करियो, गलत कर्म करियो, और थने मने छुपन वारनो पड़ियो, बी दिन पैर लाड़ छुपन मैं थर में वार करियो, आज तो मार माते वार करियो, थारो मारो कर्जो उतरियो, भगवान के मैं कोई रो कर्जो बाकी को राखो, उस दिन थने तो मार माते मैं थर में छुपन वार करियो, आज थर माते मार माते थारो वार वेगो, इन प्रकार भगवान कियो मैं कोई रो कर्जो नहीं राखो। और भगवान बिन बहेलिया रो तीर खाइयो, भगवान मन में सोचो अभी मैं गोलोक दामन में जिन टेम रवाना में हूँ, उन टेम उद्धव जी महाराज नाम रहा एक भगत दौड़िया दौड़िया आया, और भगत आए परमात्मा के चरणों में गिर गए, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गोविंद, हे गोपाल, अगर आप ही धरती ने, अगर हिंदुस्तान ने, इन देवभूमि ने, इन संतानी माटी मिट्टी ने अगर आप छोड़न चले जाओला, इन लोक ने छोड़न जाओला, तो इन संसारों इन चराचर जगत रो कल्याण की कर बेवला। उन टेम भगवान क्यों देखो मान तो लीला दारिया माने लीला करने पड़े, आना जाना चलता रहे, लेकिन मैं मारो वांगमय स्वरूप, मारो वास्तविक स्वरूप, वांगमय मतलब होता है वास्तविक स्वरूप, स्वयं री प्रतिमूर्ति स्वरूप में श्रीमद भागवत कथा रूप में आज छोड़ जाऊं, जका घर में, जका गांव में, जकी गली में, जका मिंद्र में, जका वंश में मारी भागवत कथा रो प्रवचन वेवला, उठ में साक्षात रूपो विराजमान रेवा, कृष्ण एवं च भागवतम, भागवत एवं च कृष्ण, कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण है। और इन प्रकार गोलोक धाम भगवान पदारण रुका, रवाना भैया परीक्षित जी राजा कृष्ण कथा सुने, सुखदेव जी महाराज कथा सुनावे। आज परीक्षित जी राजा ने आंखिया में आंसू, और सुखदेव जी महाराज एक सवाल पूछियो परीक्षित जी राजा ने, कि राजन तने हाथ दिन भी कथा सुनाओ, के हाँ महाराज बताओ, आपने कोई नाग काट सके, थाने कोई मृत्यु मार सके, थाने कोई मौत आ सके, क्यों महाराज नहीं, मने कोई नहीं काट सके, क्यों, कि नैनम शस्त्राणी छिंदंती और नैनम देहती पावकम, जो आया है इस संसार में उस सब को जाना पड़ेगा, लेकिन जाएगा कौन, ये जो शरीर है ये नश्वर शरीर है ये जाएगा, आत्मा तो यही रहेगी, आज इधर है तो कल उधर है, आत्मा तो अमर है, आत्मा आती जाती रहती है, और ये शरीर क्या है, ये तो पानी का बुलबुला, ये नश्वर शरीर है, ये तो नष्ट है, नाशवान है, इसलिए शरीर का मोह मत करो, अगर मोह करो तो परमात्मा का करो, क्योंकि आपकी आत्मा को परमात्मा में मिलना है। सुखदेव जी महाराज ने चरणा में परीक्षित जी महाराज गिर, और भागवत जी ने नमन करिया, और नमन करते ही है जो परीक्षित जी महाराज रो मोक्ष वेगो, और परीक्षित जी धाम पधारगा। नाग हजारों सैनिक लागुना, और वो तक्षक नागरो नाम है जो को भगवान ने परीक्षित जी ने सुनने वास्ते आवे, जगह नहीं मिली तो एक पुष्प माला में कीड़ो बना आयो, क्योंकि मौत में कोई नहीं रोक सके, बा कोई माध्यम आ सके, पुष्प माला में कीड़ो बनन आए प्रकट हुई, और परीक्षित जी महाराज ने काटने ढुको तो परीक्षित जी वे तो काटे उठे तो दे बचुरी, आज भी ने नागरी आके मैं आंसू हूं कि देखो मैं कोई भला आदमी ने मारना आयो, और इन प्रकार परीक्षित जी महाराज रो मोक्ष वेगो। सजना मैं साथी ने आपने भगवान की कथा सुनाई, परमात्मा अपन सब ने है जो को जीवन रो अपन तो मोक्ष वियोड़ो ही जे नहीं मोक्ष वियोड़ो तो आप भागवत कथा कौन सुनता कटे दूजी जगह लागता,
तो परमात्मा अपने शादीन इन श्रीमद भागवत कथा जो को प्रवचन सुनियो और जो को दान पुण्य करियो बिनो अपने फल प्रदान करे। और काले सामरा जागरण भी है और काले और पिछले दो दिन में आपने में नैनी भाई रोमाई रो भी परमात्मा की कृपा छोको होना बढ़िया नहीं छोको ताजो बढ़िया नैनी भाई रोमाई रो दो दिन होने वाला। आप माने दया के वास्ते आप माता बहना आप कीमती समय निकाल और माने आठ दिन दिया हो तो गौ माता वास्ते दो दिन री जोड़ी थोड़को और मांगो दो दिन काले और परसों दो दिन और आजो और गौ माता वास्ते दो दिन थोड़ 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 दान पुण्य कर दो काले और परसों दो दिन धन बढ़िया सुंदर मायरो काले सामना जागरण और जागरण रे साथे साथे एक शाम गौ माता नाम जो को बस्ती ना जो को भी लोग कोई कारणवश नहीं आ सकिया बेबी काले सामना मैंने हंगान बुलाए लिया क्यों दुकानदार वगैरह है जो को हगले क्यों भाई महाराज माने बिंद्रा टेम नहीं मिले तो मैं सामरा जागरण रखो जो को आवा जो को काले सामरा बढ़िया जागरण भी रखा अपन अठारह भी एक दो कलाकार अच्छा भजन कलाकार है जो को बेबी आई और महाराज राजेश जी भी अच्छा भजन गावे जो को बेबी आवेला इन्हीं साथे साथ आज भी भागवत कथा में अपना विराम ना एक दो मिनट हरि नाम संकीर्तन कर भजन प्रस्तुत हाँ हाँ पुष्प दे दो और एक भजन की प्रस्तुति करें हमारे राजेश जी जचकी के भजन गाओ गाय दो मन में मत रखो कोई ने दान करनी मन में तो बात दान करने वाली मन में मत रखो और भजन वाला भजन नहीं मन में मत रखो भाई वाला रुपया मन रखो और मैं मांगना धंधा करूं जो मैं मन में कभी नहीं रखू मांग तो जरूर चौबीस Thank you.
राधे रमण हरि गोविंद बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बहन बेटियों निवेदन, आप मोबाइल बेल्ट कोई आप पर्स वगैरह है कोई चीज पर थैलो वगैरह भूलन नहीं जानो, आप गेड़ो काटो चीज को ध्यान रखो। और सब ने निवेदन के काले और तीनों दो दिन कथा बताई थी, दो दिन कथा और आनंद ले लो। और उम्मीद करो खाना जेड़ो भागो सुनाई जेड़ो।